कभी फेसबुक अकाउंट किसी भी मोबाइल में लॉगिंग है, या दोस्त का, या फ्रेंड का, या गर्लफ्रेंड का, किसी का भी मोबाइल में आपका लॉगिंग आप कर दिए हैं, ठीक है, वो बंदा कहीं चल गया, या आपका खुद का मोबाइल तो भुला गया उसमें लॉगिंग है, तो कैसे आप बिल्कुल आसानी से उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो आपका मोबाइल होगा जो भी आपका पास, उसमें आपको कर लेना है लॉगिंग, ठीक है। जैसे कि मेरा फेसबुक ये है, ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट बता रहे हैं, यहाँ से आपको चल जाना है फेसबुक में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका फेसबुक, ठीक है, और इसमें आपको कर देना है क्लिक। चलिए हम कर दिए क्लिक। अब आते हैं यहाँ पे, आपको किस तरह से जितना भी मोबाइल में आपका लॉगिंग है सारा हटा सकते हैं। चलिए आप कर देना है आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक, सॉरी ऊपर में थ्री डॉट है, सो गाइस तो देख सकते हैं यहाँ पे थ्री डॉट पे कर देना है क्लिक। चलिए हम कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आता है कुछ ऐसा इंटरफेस, ठीक है, इस तरह से आएगा आपका इंटरफेस। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक सेटिंग पे, ठीक है। सेटिंग है कहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग है, हम जिस तरह से टिक लगा रहे हैं उस तरह से आप क्लिक करते जाइए, आपका सारा सोल्यूशन मतलब सॉरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आ गया सेटिंग पर क्लिक करने के बाद। अब सेटिंग पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आने के बाद आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, खोजने में बड़ा हो जाएगा दिक्कत, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, क्या करना है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे सर्च का ऑप्शन, ठीक है, सर्च वाला लोगो पे आपको कर देना है क्लिक। चलिए हम कर देते हैं क्लिक। इस तरह से आ गया क्लिक का ऑप्शन, अब कर देना है आपको इस पर क्लिक। किस पर करना है क्लिक, इस सर्च वाले पर करिएगा क्लिक, तो आ जाएगा इस तरह का आपका यहाँ पर लिखने के लिए। तो आपको लिखना क्या है, तो सिक्योरिटी आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है आपको यहाँ पे सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपका यहाँ पे बहुत सारा खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको करना यही है इस कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के आपको आ जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, ठीक है। चलिए हम इस पर कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको करना है किस पर क्लिक, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको लिखा हुआ है वेयर यू रे लॉग इन, ठीक है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। चलिए हम कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जितना भी मोबाइल में आपको लॉगिन है सारा कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेरा कितना मोबाइल में लॉगिन है, मेरा तीन मोबाइल में लॉगिन है, ठीक है। अब बताते हैं आपको मोबाइल का नाम कि कौन कौन सा कंपनी का मोबाइल है और क्या है, ठीक है। चलिए हम आपको इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे तीन अकाउंट बता रहा है, तीन मोबाइल बता रहा है, ठीक है। पहला मोबाइल है मेरा होनर 8C, ठीक है, जो मैं यूज कर रहा हूँ वही मोबाइल है, उसमें मेरा बहुत पुराना मतलब मोबाइल है, उसी में मेरा लॉगिन है, तो पर्सनल मेरा हो गया, तो इसको हम नहीं करेंगे कुछ, इसको जो आपका पर्सनल है उसको नहीं करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको मुझसे भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा है, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं वीवो Y56 5G, ठीक है, इसमें भी लॉगिंग है, ठीक है। अब तीसरा हो गया, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं होनर 8C, फिर से होनर 8C एक और मोबाइल है, ठीक है, इसमें भी यहाँ पे लॉगिंग है, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, जो भी आपको जिस मोबाइल में रखना है उसको आपको कुछ नहीं करना है, जिस मोबाइल से लॉग आउट करना है उसको आपको टच करना है। चलिए हमको करना है इसमें, चलिए हम बताते हैं इसमें हमको करना है क्लिक वीवो Y56, ठीक है, इससे हमको हटाना है। चलिए हम यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा लॉग आउट लिखा हुआ है, इस पर हम कर देंगे क्लिक और लॉग आउट पर क्लिक कर देना है। चलिए हम कर देते हैं क्लिक, तो चलिए वो हो गया लॉग आउट, ठीक है। अगर आपको पता करना है तो फिर से आप वहाँ पर जाइएगा, फिर से जाने के बाद एक सेकेंड, यहाँ पर जाने के बाद फिर से आपको ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मतलब ओके करने के बाद फिर से आपको जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीन था तो एक हट चुका है, ठीक है, एक बच रहा है, अब एक ये है, ठीक है, और टोटल तीन था तो एक हट चुका है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।